यूपी के सीतापुर कोतवाली क्षेत्र मिश्रिक में एक और बलात्कारी बाबा का पर्दाफाश हुआ। 8 महीने से पीड़िता का शोषण कर रहा था। पीड़िता की शिकायत पर बाबा की गिरफ्तारी हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री चंद्र भगवान इंटर कॉलेज एंड लॉ कॉलेज के प्रबंधक बाबा मोहन सियाराम दास पर 8 महीने से बंधक बनाकर युवती के साथ सामूहिक बलात्कार करने का मामला प्रकाश में आया है। हम रहने वाले लोना पट्टी के हैं, थाना हमारा रामपुर कला है। और हमारे यहाँ जो चाचा के लड़के थे, उन्होंने हमें नौकरी के दायरे में लाए थे कि चलो तुम्हें हम नौकरी दिला देंगे। हमारे पापा से फोन पे कहा तो मेरे पापा ने कहा ठीक है तुम लेके जाओ, और पहले हम जब तक आएंगे नहीं तब तक मत ले जाना। तो बोले चाचा हम ले जा रहे हैं और तुम्हारी लड़की को हम शाम को घर पे छोड़ देंगे। फिर वहाँ से हमें लाया गया और यहाँ सरैया स्टेशन पे जो रेंटू थी उनकी गाड़ी में बिठा के वो लोग रेड गाड़ी से वापस फिर चले गए। फिर हमें यहाँ से लाया गया बाराबंकी में। 1.5 घंटा इन लोगों ने रुका और हमने जब पूछा ये घर किसका है तो इन्हें रेंटू ने कहा ये घर मेरे भैया का है और यहाँ भाभी नहीं है, हम यहाँ नहीं रुकेंगे। कौन तुम्हें ले गया था? रेंटू। कौन है रेंटू? ये रेंटू इनकी कोई मैनेजर है। किसके? बाबा की। और फिर वहाँ से 1.5 घंटा बाद लेके चले गए मुझे फैजाबाद। फैजाबाद में मेरी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो जाने से एक दिन एक रात वहाँ लग गया, जिसके वहाँ से दवा लाके मुझे दी गई और वहीं पे डॉक्टर आया दवा देके चला गया। फिर वहाँ से सुबह लखनऊ लाए, लखनऊ से आश्रम पे, आश्रम से रोक के गाड़ी, कपड़े उठा के आश्रम से लाई, फिर आगे चल के गाड़ी रोक के और गाड़ी में ही मेरे कपड़े चेंज करवा दिए। इसके बाद में सारे कपड़े साड़ी वाड़ी मेरी सारी निकाल के और वहाँ से मिश्रिक लेके चले आए। फिर हमने मिश्रिक में पूछा कि यहाँ हमें क्यों लाया तो बोले यहाँ तुम्हें काम करना है और यहीं पे रहना है। हमने कहा हमारे पापा से बात करा दो तो बाबा बोले तुम्हारे चाचा के लड़के नोखे को हमने 50,000 रुपए दे दिए हैं, अगर तुमने किसी से कहा तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। बाबा ने तुम्हारे साथ क्या किया? बाबा ने हमारे साथ बहुत और घटिया गिरी हरकत से गंदे काम खुद करते रहे और दूसरों से भी कराते रहे। कितने दिन तुमको बाबा ने अपने पाप रखा? हमको बाबा ने रखा है 8-9 महीने से। क्या बताए थे बाबा तुमको? बाबा हमको ये बताया, वहाँ से तो नौकरी के चक्कर में लाए थे, फिर वहाँ से नौकरी नहीं मुझे गंदे काम करवाने लगे हमसे। और मुझे बहुत, हमने एक बार भागने की कोशिश की तो मुझे बहुत मारा रिंटू ने और बहुत कुछ उल्टा सीधा धमकी दी कि हमने इतने कत्ल किए हैं, पैसा देके हम छूट आएंगे, इतनी मूर्ति चोरी की है, हम कहीं फंसे नहीं हैं, और अगर तुम्हें भी मार देंगे तो 2-4 लाख रुपए देके हम छूट आएंगे, नहीं ज्यादा तो 2-4 बीघे मेरी जमीन फिर बिक जाएगी। तो बाबा के चंगुल से तुम कैसे छूटी? बाबा की चंगुल से ऐसे हम छूटे कि हम कल हमें आशीष शुक्ला नोखे से मिलाने लाया जा रहा था, फिर वो लोग नहीं आए और इनका कोई बाराबंकी में काम पड़ गया और इनके जो बाकी के लोग थे अनूप और सब लोग, वो सब लोग चले गए बाराबंकी, बचे बाबा और हम और 2 चौकीदार। फिर इन्होंने खाना वाना खाने के बाद मेरे साथ किया गलत काम और वहाँ पे ये सो गए। किसने गलत काम किया? बाबा ने। जब सो गए तो एक बार हम बाहर निकले तो इनके चौकीदार जग रहे थे तो हम फिर वापस चले गए, तो इनके चौकीदारों को कुछ शक हुआ तो इन्होंने हाँक दी तो बाबा बड़ी देर में जगे, बोले फिर ये बोले कुछ नहीं है सो जाओ। जब इन्होंने कहा फिर चौकीदार इनके देखते रहे, फिर बड़ी देर बाद जाके जब सो गए फिर हमने इसी दुपट्टे से अपना शरीर ढका और बाकी के कपड़े उठा के हाथ पे और बाबा का मोबाइल लेके हम भाग आए। भाग के कहाँ गए? गेट के बाहर। कहाँ भाग के कहाँ गए? अपने घर गई कहाँ? नहीं, गेट के बाहर तालिब से। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल की। जब 100 नंबर पे कॉल की तब 100 नंबर से पुलिस पहुंची। पुलिस को पहुंचते लगभग 20 मिनट लग गए। तब हमने वहां गेट पे अपने कपड़े, फिर मुझे निकलते 10 मिनट हुआ और इसके बाद इन्होंने फोन किया, व्हाइट कलर की मारुति फिर से आ गई कॉलेज और आते ही सारे गेट बंद हो गए। बाबा है तुम्हारे साथ कितने लोग थे जिन्होंने गंदा काम किया? हम चेहरा पहचान सकते हैं पर नाम नहीं जान सकते। कितने लोग हैं?
लगभग कोई 6-7-8 लोग हैं, मगर हम नाम किसी का नहीं जानते हैं। जो लोग हमारे खास पास रहे हैं उन्हीं को जानते हैं और हम किसी का नाम नहीं जानते हैं, और बाहर से भी 1-2-4 लुंडिया लाते रहते हैं। वैसे सूत्रों के अनुसार पिछले साल भी दूसरे बच्चों की आईडी पर दूसरा बच्चा नकल करते हुए पकड़ा गया था, जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। ये कॉलेज 29 जून 2015 को राज्यपाल जी ने खुद इसका उद्घाटन किया था। बाबा सियाराम हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। इनकी माने तो कल युवती नौकरी के लिए आई थी, जबकि युवती के अनुसार 8 महीने से बाबा उसके साथ सामूहिक बलात्कार कर रहा है। एक और बलात्कारी बाबा आया पुलिस की गिरफ्त में। ये यूपी के सीतापुर थाना कोतवाली क्षेत्र मिश्रिक में बाबा सियाराम दास, जो कि श्री चंद नारायण भगवान इंटर कॉलेज एंड लॉ का प्रबंधक हैं, इन पर आरोप लगा है कि 8 महीने से युवती के साथ गैंगरेप करते रहे हैं और उसको बंधक बनाया। बंधक बनाने के साथ साथ में गैंगरेप भी करते रहे। बाबा भी गैंगरेप करता रहा और उनके साथ साथियों से भी अपने गैंगरेप करवाता रहा। ये मामला आया है यूपी के सीतापुर कोतवाली क्षेत्र में मिश्रिक का है। आइए बात करते हैं बाबा जी से। जी सर, बिल्कुल झूठे आरोप में उसको लगा था। मैंने आज तक उसको नहीं देखा। 8 दिन पहले स्कूल पे आई थी नौकरी के लिए सर, कि हमको आया मुझे यहाँ से मना कर दिया। उसके बाद ही कल रात 8:30 बजे कल स्कूल पे आई, मैं मौजूद था सर। मैंने इससे नौकरी की मना कर दिया जी। 1 घंटा बैठ के अपने एक रोटी खाई, मैंने खाना खाओ तो मैं यहाँ से गया। 5:30-11:30 चली गई मेरी स्कूल से। मुझे नहीं पता ये कहाँ। सुबह में 6 बजे मुझे थाने बुलाया पुलिस वाले ने। मुझे बोले यहाँ पर लड़की मेरी घर के साथ रात आई थी, मैंने जैसे था वैसे बताया, फिर मुझे थाने ले आए हैं। लड़की थाने में थी और मुझे ध्यान दिया। क्यों आरोप लगा रहे सर जी? किसी सिलेंडर के तहत मुझे फंसाने के लिए सर। महिला का आरोप है कि 8 महीने तक आपने उसके साथ बलात्कार किया था। नहीं सर, बिल्कुल निराधार। मैंने कहीं जांच करा दी गया सर, मैंने कुछ। ये रहने वाली कहाँ की आपको जान? मुझे नहीं, ये सीतापुर बताती थी। किसके माध्यम से आपसे मिली? सीतापुर बताती थी कि बसंती के सामने मेरा मकान है, स्कूल में ही आई थी सर नौकरी के लिए। ये किसके माध्यम से आपके पास? नहीं, किसी के माध्यम से नहीं। फिर आपको कहाँ से मिली? ये स्कूल पर आई थी नौकरी के लिए, मैं सीतापुर रहने वाले हूँ, बसंती के सामने में नौकरी किराए पर रहती हूँ। 8 महीने यही रही आपके विद्यालय? मेरे यहाँ कभी नहीं रही, कभी रात में नहीं रही, आज तक नहीं रही सर। महिला का रेस्क्यू किया। महिला का आरोप यह है कि बाबा कल मैं आगरा से मुश्किल ले आए और यहाँ मेरे साथ गलत काम की। महिला के प्रार्थना पत्र पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 376 और 342 IPC में। बाबा को भी पूछताछ के लिए लाया गया है और जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। महिला को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है। बाबा की माने तो उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की उनके पास आई थी नौकरी के तलाश में, और उन पर अब ये निराधार आरोप लगाया जा रहा है कि बलात्कार किया गया है, जबकि बाबा बिल्कुल बेकसूर हैं, अपने को बेगुनाह साबित करने के प्रयास में लगे हैं। और लड़की से जब बात करते हैं, आइए लड़की का भी बयान लेते हैं। ओके। लड़की की माने तो करीब 8-9 महीने से बाबा अपने साथियों के साथ बलात्कार करता आया है, और जबकि ये जो जिस कॉलेज की बात है वो कॉलेज काफ़ी समय से चर्चा में आता है, पिछले साल भी चर्चा में आया है कि दूसरे लड़के बच्चे की आईडी पर, दूसरे बच्चे की आईडी पर दूसरा बच्चा परीक्षा दे रहा है और परीक्षा में नकल करवाई जा रही है। इस विषय पर एक बार और चर्चा में आया हुआ है ये कॉलेज, जबकि उसी कॉलेज के बाबा प्रबंधक हैं और ये बाबा 8 महीने से बंधक बनाकर एक युवती के साथ मतलब बलात्कार करते हुए पकड़े गए हैं। वो भाग करके युवती ने रात में 11 बजे करीब भाग करके कॉलेज के बाहर निकली जैसे तैसे, और अपनी जान बचाई। जान बचाने के साथ साथ में 100 नंबर पे कॉल किया। कॉल करने के बाद पुलिस के हवाले हुई, तब उसने अपनी पूरी वारदात को बताया कि 8-9 महीने से किस तरह हमारे साथ बलात्कार हो रहा था। मिश्रिक क्षेत्र से अमित दीक्षित के साथ कैमरामैन अरुण सिंह के सहयोग से रमेश सिंह, 24 आवर टुडे न्यूज चैनल।
सीता। ट्वेंटी फोर आवर्स टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।